हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के हम सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहली पार्ट के वीडियो में आप लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रहमानस द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज। रहमान का एज 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, ठीक है, 5 ईयर्स आफ्टर टुडे, आज से 5 साल बाद और उसका रेसिप्रोकल 3 साल पहले, फिर उसका रेसिप्रोकल, दोनों को सम, दोनों का सम जो मिलता है वो 1/3 है। तो हम यहां मान लेते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। हम मान लेते हैं कि रहमान का जो परसेंटेज है वो क्या है, यक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं 5 साल बाद और 3 साल पहले, आज अगर ये एक्स हैं तो 3 साल पहले क्या होंगे, यक्स होंगे, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/(x-3)। तो ये 3 साल पहले जो थे वो x-3 हो गए, और अगर ये आज x हैं तो 5 साल बाद क्या होंगे, x+5 ईयर्स होंगे, और अगर इसका रेसिप्रोकल निकाला जाए तो क्या होगा, वो x+5 हो जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा, और इसका सम निकालना है तो ये 1/(x+5), और इनका सम जो है वो कितना दिया गया है, 1/3। तो इसको हमको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। चलिए, इन दोनों को एलसीएम हो जाएगा, ये x-3 और x+5, ये क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर के लिखा जाएगा x+5, और ये यहाँ होगा x-3 = 1/3। कैंसिल आउट कुछ भी नहीं हो रहे हैं, 1 और 1 कितना होगा, ये 2x, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 2 ओवर, कितना मिलेगा, यह मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², ठीक है, फिर x को 5 से करेंगे 5x, -3 को x से -3x, -3 को 5 से 15 = कितना मिलेगा, 1/3, ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। फिर क्या लिखा जाएगा, ये 2x+5, यहाँ से क्या होगा, वो x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 2x-15 = 1/3, और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलेगा हमें, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6x+6 = क्या मिलेगा, x² + 2x-15। सबको एक साइड कर लेंगे, तो इस पूरे को इधर ले आए, इम्प्लाइज दैट, और लगा देंगे, ठीक, x² + 2x - 15, इसको इधर लाने पर क्या होगा, ये भाई देखो, तो इसको इधर लिखे जा रहे हैं लेकिन 0 को हम पीछे लिख देंगे, तो ये प्लस से क्या हुआ, माइनस, और ये भी होगा -= 0। आपका क्या मिल जाएगा, x² यहाँ से देखें तो -4x, अगर यहाँ से देखा जाए तो -21 = 0। अब क्या करना है, दोनों को माइनस में तोड़ना है, आपको ब्रेक करना है, माइनस में है ना, तो इस वाले बी को आपको ब्रेक करना है माइनस में, और लास्ट में कितना, 21 का अगर फैक्टर निकाला जाए तो कितना आएगा, 3 और 7 आ जाएगा, मतलब अगर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 21 मिल जाएंगे। तो ये x² - 7 - 3 × x - 21 = 0, देन x² - 7x - से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 21 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या होगा, x-7, यहाँ से 3 कॉमन लिया जाएगा, x-7 = 0, ब्रैकेट कॉमन होगा, x-7, दूसरा क्या आएगा, x+3 = 0। अब आप देखें, अब आपकी बात की जा रही है, तो क्या होगा, व्हेन x-7 = 0, देन x = 7, और अगर हम कह दें कि x+3 = 0, देन x = -3। अब आप यहाँ पर, आपको देखना है कि आप एज की बात की जा रही है, और जब कभी एज की हम बात करेंगे तो क्या वो एज माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा, वो प्लस में ही होगा, एज हमेशा क्या माइनस में हो सकता है, नहीं, तो क्या लिख दिया जाएगा, हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज
सेवन ईयर्स, कितना सेवन ईयर्स, रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है आपका सेवन ईयर्स है। ओके स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लें तो आप देखें ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिख रहा है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, बन जाएगा। यानी क्लास टेस्ट द सम ऑफ 47 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब एक टेस्ट हुआ और उसमें से शैफाली ने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स पाए हैं वो 30। मतलब अगर एक को हम एक्स मान रहे हैं तो दूसरा क्या लिखा जाएगा देख लेते हैं। लेट शैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। हमने मान लिया है कि मैथमेटिक्स में वो एक्स मार्क्स पा रही है तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, फिर इंग्लिश में कितना हो जाएगा भाई, दो सब्जेक्ट का सम जो आया था, दो नंबर्स का सम ही 30 था और हमने एक को x माना है तो दूसरा क्या होगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, ये इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैड सी गॉट टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर दो ज़्यादा पाती है तो मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में वो दो नंबर्स ज़्यादा पा गई, एंड थ्री मार्क लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना पा गई, वो थ्री मार्क कम पाती है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना मिल जाता है 210। ये प्रोडक्ट 210 के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा आप लोग। तो x प्लस टू यहाँ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ये x क्या करेगा, सभी को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा यहाँ से 27x, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ से कितना होगा 54 और यहाँ माइनस 2x इज इक्वल टू 210। इनको सॉल्व करके अगर देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर्ड और यहाँ से कितना होगा ये प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब क्या होगा, आप देखें कि ये मार्क जो इनके होंगे वो माइनस में ये नहीं होने चाहिए, हम इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाने पर प्लस, ठीक है, ये प्लस से क्या होगा माइनस, ये भी प्लस से क्या होगा माइनस, और ये तो प्लस है ही 210, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 210 माइनस 54 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा आपका, देखें एक्स स्क्वायर्ड माइनस 25x और यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना आएगा 6, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 20 156 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मार्क्स हो गए, ये इतने हो गए। अब ये फैक्टर करेंगे कुछ, देखेंगे क्या 156 को अगर हम दो ब्रेक करें दो पार्ट में तो कितना आ जाएगा। अगर मुझे नहीं पता है तो क्या काम करेंगे, 156 का निकालेंगे फैक्टर, यहाँ से कितना होगा 7 और ये 8, 2 से 39, 3 13 और ये 13, यानी हम देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कितना मिल रहा है 12 और 13 मिल रहा है, और यहाँ माइनस है तो हमको तोड़ना है प्लस में, तो ये प्लस में टूट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस 12 प्लस 13 या 13 प्लस 12 एक ही बातें हैं, इंटू एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई डाउट है, नहीं होगा, ठीक है, होगा तो बताइएगा आप लोग। यहाँ से x कॉमन है x माइनस 12, यहाँ से माइनस 13 कॉमन है, x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। 156 को अगर 13 से डिवाइड किया जाएगा तो वो 12 ही होगा, यहाँ से 1 माइनस x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। व्हेन x माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो देन x इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। और अगर हम कह लें कि व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो देन क्या होगा x इज इक्वल टू 13। अब देखो दोनों प्लस में आ रहे हैं, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में ही आ रहे हैं, तो मार्क्स अगर बात कर लें, इफ इन मैथमेटिक्स की बात कर लें
ठीक है, इफ इफ ठीक है, इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स में 12 अगर हो जाएगा तो इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में क्या होगा, मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 18। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं इफ मार्क्स इन मैथ कितना है, अगर हम मैथ में मार रहे हैं 13, तो इंग्लिश के कितने मार्क्स होंगे इसमें, 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। देखो यहाँ पर दो आंसर हैं, दोनों पॉजिटिव है। अगर मैं थोड़ा कम ज़्यादा लेकर के बात करूँ, अगर मैं 12 ले रहा हूँ मैथ में, अगर मैथ में 12 है तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 18, और अगर मैथ में कितना है 13 तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 17। ओके स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ये भी है आपके लिए, इस क्लास में सब कुछ पढ़ना है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखो यहाँ पर मान लें कि एक ऐसे जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये जो है वो शॉर्टर साइड है, ये शॉर्टर साइड होगा, क्लियर ही है, और ये लॉन्गर साइड होगा, और ये इसका क्या होगा, डायगोनल है, ठीक है, ये जो होगा वो एक डायगोनल है। अब यहाँ बात की जा रही है कि इस डायगोनल्स जो हैं वो शॉर्ट छोटी वाली साइड से, छोटी वाली साइड के कितना है, 60 ज़्यादा है। अगर मैं छोटी को x मान रहा हूँ, स्मॉल साइड को, तो डायगोनल कितना होगा, x प्लस 60 होगा। इसके बाद में इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो कितना ज़्यादा है, x प्लस 30, क्यों 30 ज़्यादा है, शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया है, तो मान लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड, डायरेक्टली लिख देते हैं ऑफ फील्ड बी एक्स मीटर। हमने शॉर्टर साइड को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, एक्स मीटर, ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड होगा, लॉन्गर साइड होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस 30 मीटर होगा, और जो डायगोनल होगा, डायगोनल होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए, आपको पता है कि अगर मैं रेक्टेंगल में हूँ तो डायगोनल जो होता है, रेक्टेंगल में सभी 90 के एंगल्स बनते हैं, तो यहाँ अगर देखा जाए इस तरीके से, यहाँ मैं ए बी सी और डी अगर ऐसे है, तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी इतने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इस वाली साइड के सामने ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ, तो लिख देंगे बाई यूजिंग PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है, जो आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच आपका कितना है, x प्लस 60 इसका स्क्वायर, p कितना है, मान लेते हैं ये x है ना, b आपका क्या होगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं कैसे होगा, ओपन करेंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60 120 इंटू एक्स प्लस इस वाले का स्क्वायर कितना होगा, 36 और डबल ज़ीरो, ठीक है, 36 डबल ज़ीरो, ये एक्स स्क्वायर रहेगा ही, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना, यहाँ 60 यहाँ से हो जाएगा, और प्लस आप लास्ट वाला 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। सबको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना होगा ये 2x² प्लस 60x प्लस 900, इस पूरे को इधर ले आएंगे, ठीक है, इस पूरे को इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या है, 2x² आपके पास है 2x² प्लस 60x प्लस 900, ये प्लस से इधर जाने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस आपका होगा, ठीक है, क्लियर है ना। आगे इसमें देखें, अगर इसको सबट्रैक्ट किया जाएगा, ये 2 है ये 1 है, सबट्रैक्ट करने पर कितना होगा, 1 हो जाएगा,
ये और यहाँ देखिए दोनों माइनस प्लस में हैं, तो ये माइनस वाला बड़ा है, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सबट्रैक्ट किया जाए तो 36 में से अगर सबट्रैक्ट करेंगे 9 तो कितना होगा 27, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27 00 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको ब्रेक किया जाए तो माइनस में दोनों हैं और 27 लाना है, यहाँ मान लीजिए 6 है, मान लीजिए 6 है, 00 तो आपको मिल ही गया है, तो अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और 9 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 00 साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 90x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 27 00 इज इक्वल टू 0, ये आपके हो गए। अब आगे यहाँ आपको जो काम करना है वो क्या काम करना है, यहाँ से कुछ x कॉमन है तो x को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस 90 होगा, यहाँ से क्या कॉमन है 30 कॉमन है, तो x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 भी यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 पहले ब्रैकेट्स में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको काम क्या करना है, आपको पता ही है कि लिखेंगे व्हेन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 90, ये मिलेगा। और अगर हम कह दें व्हेन x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 30, जो कि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 90 होगा। इस तरीके से हमें जो साइड्स मिलेंगे, देखिए जो शॉर्टर साइड होगा, शॉर्टर साइड है वो कितना होगा 90 मीटर होगा, जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, जो लॉन्गर साइड है वो क्या होगा हमारा, अब देखें क्या माना गया था, x यानी x कितना है 90 है, तो 90 प्लस 30 मीटर कितना हो गया 120 मीटर, और जो डायगोनल है, डायगोनल है वो क्या होगा, डायगोनल को आपने माना था, क्या माना था, x यानी 90 प्लस कितना माना 60 मीटर, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। आते हैं इसके आज के लास्ट क्वेश्चन पे, इस पार्ट में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज का लास्ट होगा। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, देखेंगे द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर्स इज 180 और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। मान लेते हैं लेट द नंबर्स, ठीक है, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मान लिया गया है, जिसमें कि आप ऐसा लिख सकते हैं लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है, बड़े वाले को एक्स और छोटे वाले को वाई मान लिया गया, और कंडीशन दिया गया है कि जो छोटे वाले का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे वाले का स्क्वायर है, ठीक है, ये एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन दिया गया है, ठीक है, ये कह सकते हैं गिवन। तो आप देखें कि वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, लार्जर नंबर का क्या होगा 8 टाइम्स, यानी कितना यहाँ 8x, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, देखते हैं कि इनके स्क्वायर डिफरेंस जो है, अब देखो बड़ा नंबर कौन सा भैया, ध्यान रखेंगे बड़ा नंबर हमारा x है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, जिसमें कि एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर हो किसके इक्वल है 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आएंगे 180 इज इक्वल टू 0, क्या होगा इसको ब्रेक करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, तो ये प्लस या माइनस, भाई माइनस में तोड़ना होगा, किस में तोड़ा जाए, अगर क्या कर लिया जाए, अगर 18 में से 10 सबट्रैक्ट कर देंगे, 18 में से अगर 10 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, कितना हो जाएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन है, क्या होगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 18 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या था, ये हमारा व्हेन
एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू 18, तो पहला क्या हो जाएगा 18। और अगर हम मान रहे हैं कि वेन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 10, जो कि नंबर माइनस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन लेकिन मुझे क्या लेना है, आप देखो इनके डिफरेंस की बात की जा रही है, तो हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मैं जो बात करूँ कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं का है, दूसरा का है, तो ये हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर हम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 18 लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है, लार्जर नंबर है। अगर लार्जर नंबर को मैं 18 ले रहा हूँ, अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर क्या माना गया था, 18 इंटू वाई। अब देखो आप थोड़ा सा, ठीक है, आप समझेंगे। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ, मैं क्या रख दूँ, 8, ठीक है, होगा ये लार्जर नंबर, ये तो था लार्जर नंबर, क्या था, आप देखो समझें कि इस वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर जो है वो 8 इंटू 18, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, कितना होगा, आप 8 8 जा 64, कितना होगा यहाँ 4, कितना आएगा 6, 8 1 जा 8, कितना हो जाएगा 44। ये वाई स्क्वायर है, हमने लार्जर नंबर को x माना है और स्मॉलर नंबर को y माना है। अब अगर y निकालते हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस 12 होगा, होगा या नहीं होगा, यानी कि इसमें भी एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, एक तो मुझे मिलेगा प्लस में और एक y इज इक्वल टू माइनस 12। अगर मैं देख रहा हूँ दोनों केस में देख रहा हूँ कि मैं अगर निगेटिव लेकर के चलता हूँ तभी माइनस 10 बड़ा है, और पॉजिटिव लेकर के चलते हैं तभी 18 बड़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।